महिंद्रा थार में 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल कार है तभी आपको एक थार लेनी चाहिए, क्योंकि महिंद्रा थार एक फैमिली कार नहीं है। अरे यार, के थार बनाई थी। दरअसल काफी लोगों को महिंद्रा से ये शिकायत थी कि थार की पीछे वाली सीट पर बैठना काफी मुश्किल और इरिटेटिंग होता है। तो महिंद्रा ने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हुए हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है थार का 5-डोर सेगमेंट, जिसमें प्रैक्टिकलिटी के साथ राइड एंड हैंडलिंग को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। अब नई थार में आपको 5 डोर्स मिलने वाले हैं, जिससे गाड़ी का साइज भी काफी हो जाएगा, और साथ ही इसमें पुरानी थार के मुकाबले काफी ज्यादा फीचर्स और पावर मिलने वाली है। इसका एक्स शोरूम प्राइस करीब 15 लाख रुपए होने वाला है, और 2024 में ये गाड़ी आपको मार्केट में भी नजर आएगी। अब आप थार को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे मुझे कमेंट करके बताओ।